हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दुनिया भर में ही नहीं, भारत में भी कोरोना वायरस का खतरा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक सारे थिएटर्स को बंद करने का निर्देश दिया है। इस बीच बहुत सारी फिल्में, बॉलीवुड की जो फिल्में वो प्रभावित होंगी। अभी अभी खबर आई है कि सूर्यवंशी जो अक्षय कुमार की फिल्म है, रोहित शेट्टी की फिल्म है, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। कितना प्रभाव पड़ेगा बॉलीवुड पर कोरोना वायरस का थिएटर बंद करने से, कितनी शूटिंग इफेक्ट होगी, ये सर सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा जी। बहुत बहुत स्वागत है कोमल आपका। आप बताएंगे कि अभी सूर्यवंशी का ऐलान हुआ है कि वो फिल्म पोस्टपोन की जा रही है दिल्ली में, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि 31 तारीख तक थिएटर बंद कर दिए जाएंगे, क्या लगता है कितनी फिल्में पोस्टपोन होंगी? अंग्रेजी मीडियम रिलीज होनी है, आगे 83 फिल्म है रणवीर सिंह की, क्या लगता है आपको कितनी फिल्में इफेक्ट होंगी और कितना नुकसान होगा इंडस्ट्री को? देखिए, अंग्रेजी मीडियम के लिए बहुत ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि वो पोस्टपोन करें, क्योंकि आदेश दिल्ली गवर्नमेंट का आज आया है और कल रिलीज होने को है। एडवांस बुकिंग विंडोज खुल गए हैं, डिलीवरियां चली गई है, तो वो तो पोस्टपोन नहीं हो सकती है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इन हालातों में किसी भी फिल्म का रिलीज होना बहुत डेंजरस माना जाएगा। दिल्ली के सिनेमाज बंद है, केरल के सिनेमाज बंद है, जम्मू के सिनेमाज बंद है। खबर ऐसी आ रही है कि हरियाणा गवर्नमेंट भी आदेश दे रही है कि हरियाणा के सिनेमाज भी बंद हो जाए। लेकिन सूर्यवंशी वालों ने इमीडिएटली, जैसे ही दिल्ली की खबर आई, उन्होंने पोस्टपोन कर दी फिल्म को। एक्चुअली वो मॉनिटर कर रहे थे, बागी 3 के कलेक्शंस बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, ये देखने के लिए कि कोरोना वायरस का स्केयर और कोरोना वायरस आउटब्रेक तो नहीं कह सकते इंडिया में, उसका कितना इंपैक्ट पड़ा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर। और बागी 3 पर 3-5% कलेक्शंस अफेक्ट हुए हैं, ज्यादा नहीं। तो वो बार बार यही सोच रहे थे कि हमको रिलीज कर लेनी चाहिए फिल्म, 24 मार्च को रिलीज कर लेनी चाहिए। लेकिन अब दिल्ली के सिनेमाज अगर बंद हो जाते हैं, हरियाणा के शायद बंद हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर ये गलती नहीं कर सकता है। जैसा मैंने कहा, अगर अंग्रेजी मीडियम 4 दिन बाद रिलीज होने वाली होती तो डेफिनेटली वो भी पोस्टपोन हो जाती। ये सिर्फ कुछ घंटों का फासला है, दिल्ली गवर्नमेंट का कहना कि सिनेमाज बंद रहेंगे और अंग्रेजी मीडियम का रिलीज होना, उनमें कुछ 14-15 घंटों का फासला है, इसलिए अब वो नामुमकिन है। लेकिन ना सिर्फ सूर्यवंशी, 83 एंड आने वाली सारी बड़ी फिल्में, अब सबको रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारी फिल्म 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से या 1 महीने से पोस्टपोन हुई है, क्योंकि किसी को नहीं पता अब ये स्केयर आउटब्रेक में कन्वर्ट होगा या ये स्केयर कब तक चलेगा। वैसे भी एयरपोर्ट्स बंद हैं, वीजाज लोगों के कैंसिल हो रहे हैं, इंडिया में कई फॉरेन कंट्री से लोगों का आना रोक दिया गया है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक सिचुएशन है, बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में पोस्टपोन होंगी, सूर्यवंशी के बाद 83 आने वाली है और भी तमाम फिल्में आने वाली हैं, और ये बताया नहीं जा सकता कि वो कब रिलीज करेंगे, वो डिपेंड करता है कोरोना वायरस पर। मैं जानना चाहूंगा इंडस्ट्री का इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितने करोड़ का नुकसान, कितने अरब का नुकसान हो सकता है, एक अंदाजतन मोटा मोटी अगर आप बता पाए। अभी ये कहना क्योंकि फिल्में रिलीज नहीं होगी तो कितना नुकसान होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। जैसे सूर्यवंशी अगर 24 मार्च को आती तो फर्स्ट डे या फर्स्ट वीकेंड में, जो कि लंबा वीकेंड होगा, ट्यूसडे को तो पेड प्रीव्यूज होने वाले थे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 5 दिनों में ऐसी आशा थी कि इन 5 दिनों में नेट कलेक्शंस केवल इंडिया में सूर्यवंशी के कम 125-150 करोड़ होंगे, तो वो 150 करोड़ का नुकसान तो हो गया। अब जब रिलीज होगी तब क्या होगा, ऑफकोर्स वैसी ही ओपनिंग लेगी, लेकिन ये रेवेन्यू पोस्टपोन तो हो गए। वैसे भी इस साल के पहले 2 महीने कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, तो लोगों को था कि सूर्यवंशी आके सब कुछ बदल डालेगी, पहला क्वार्टर अच्छा कहलाया जाएगा, लेकिन वो अब होने से रहा। सिमिलरली 83 रिलीज अगर पोस्टपोन कर दी जाती है, जो कि 99% नजर आता है, बिकॉज 83 का फर्स्ट ट्रेलर आउट होने वाला था अर्लियर दिस वीक, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि एक पीरियड होता है, एक 5-6 हफ्ते होते हैं जब लोगों का इंटरेस्ट बना रह सकता है किसी फिल्म में। सूर्यवंशी का ये नुकसान जरूर हुआ है क्योंकि प्रमोशन शुरू हो गया था 24 मार्च की डेट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अब वो सस्टेन करना पड़ेगा, ऑडियंस का इंटरेस्ट सस्टेन करना पड़ेगा। लेकिन मेरी अभी हाल ही में बात हुई रोहित शेट्टी से और उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ने जो कर
किया है और कर रही है अलग अलग प्रांतों की गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों की हेल्थ पहले आती है। हमारी फिल्मों का तो कुछ नहीं, फिल्में बाद में रिलीज हो जाएगी, ये सब लीजर एक्टिविटीज है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं, अगर कोरोना वायरस की वजह से लोगों को नुकसान हो, लोगों की हेल्थ को नुकसान हो, तो इससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता। तो वो तो मेरे ख्याल से खुश है जो भी हो रहा है, हालांकि दुखी है कि उनकी फिल्म को रिलीज की रिलीज पोस्टपोन हो रही है, बट फिर भी लार्जर पिक्चर ये है कि लोग एटलीस्ट थैंकफुल है कि गवर्नमेंट्स अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेप्स ले रही है एंड सिनेमास को आदेश दे रही है। सिनेमास क्यों, स्कूल्स कॉलेजेस मॉल्स, तो एक माहौल भी डर वाला है। अब लोग जहां पर वायरस का आउटब्रेक नहीं हुआ है या स्केयर भी कम है, अब ये सब बातें सुनकर लोग बाहर निकलने से कतराएंगे और इसलिए कलेक्शंस अब से इम्पैक्ट होना शुरू होंगे। बागी थ्री को पहले 5 दिनों में 6 दिनों में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अब क्योंकि सिनेमाज ही बंद हो रहे हैं मेरे ख्याल से इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस फियर फैक्टर अब ज्यादा अंडरलाइन होकर आएगा। एंड मेरे ख्याल से केवल दिल्ली की अगर सिनेमास की बात करें तो मेरे ख्याल से डेली नुकसान कम से कम 5-7 करोड़ का होगा, क्योंकि उतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो होता ही है किसी भी फिल्म को, उतना उतनी टेरिटरी में पैसा आता है। सारी फिल्मों को मिला के एक दिन में 5-7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता ही है। सिर्फ कारोबार ही प्रभावित नहीं हो रहा है, जो शूटिंग है इंडस्ट्री में, चाहे विदेश की बात हो चाहे देश देश की बात हो, तमाम जगहों पर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी काफी प्रभावित हो रही है। इस बारे में क्या कुछ बताएंगे? हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान की जो फिल्म है राधे, थाईलैंड में उसकी शूटिंग कैंसिल कर दी गई थी, पोस्टपोन कर दी गई थी। क्या कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी हाँ, जो भी विदेश ट्रैवल करने वाले थे शूटिंग की वजह से, सारे लोगों ने विदेश की यात्रा तो रोक दी है। अब कुछ लोग विदेश की शूटिंग बाद में करेंगे, कुछ लोग जैसे राधे के केस में, उन्होंने सलमान खान प्रभुदेवा उन्होंने तय किया है कि वो गाना अब थाईलैंड में शूट नहीं होगा, यहीं इंडिया में ही उसकी शूटिंग होगी। तो डेफिनेटली अब कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा, यूनिट की जान, यूनिट मेंबर्स की जान जोखिम में नहीं डालेगा, और इसलिए फॉरेन ट्रैवल बंद हो गया है। अगर इंडिया में माहौल बिगड़ता है तो शायद शूटिंगें भी इंडिया में कैंसिल होने लग जाएगी, लेकिन लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड इतना नुकसान ना हो, इसी की आशा है। लेकिन नुकसान के साथ साथ लोगों के हेल्थ का केयर लेना बहुत जरूरी है, इसलिए इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। मतलब नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर लोगों की हेल्थ की वजह से ये सब नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं लगता किसी को कंप्लेन करने की जरूरत है या किसी को कंप्लेन करना चाहिए। कोमल, आप बॉलीवुड के इंसाइडर हैं, ट्रेड एक्सपर्ट हैं, आपकी बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स सभी से बात होती है, उनका क्या कहना है इस बारे में? ये जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही, जो डर का माहौल है, उनका क्या कहना है कि जैसे मैंने कहा ना, लोग दुखी है कि बॉक्स ऑफिस बंद हो रहा है, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये दुख छोटा है जब हम लोगों के, आवाम की हेल्थ की बात करते हैं, उसके मुकाबले तो फिल्में ना रिलीज होना या फिल्मों का बिजनेस इंपैक्ट होना वो बहुत मामूली बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई एग्जीबिटर, कोई भी प्रोड्यूसर ये कहेगा कि अरे ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। जैसे मैंने कहा, रोहित शेट्टी सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, क्योंकि उनकी सूर्यवंशी का प्रमोशन शुरू हो गया था एंड जनरली 5-6 हफ्ते प्रमोशन का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बना रहता है, उसके बाद ऑडियंस थोड़ी बोर हो जाती है, तो रोहित शेट्टी का तो सबसे ज्यादा नुकसान है इसमें। लेकिन फिर भी नुकसान होते हुए भी उन्होंने ये कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली के सिनेमाज बंद हो रहे हैं एंड हो सकता है पूरे इंडिया के सिनेमाज बंद हो जाए, ये बात अच्छी है क्योंकि लोगों की हेल्थ का सवाल है। तो मेरे ख्याल से सभी रोहित शेट्टी की तरह ही सोचेंगे, फाइनली फिल्म्स तो एक लेजर एक्टिविटी है, एक आप अपने फ्री टाइम में देखते हैं, लेकिन हेल्थ तो आपकी जरूरी नहीं है अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ जाए। और ये क्राइसिस ही पैंडेमिक ही अनाउंस हो रहा है, पैंडेमिक की तरह ही इसे देखा जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि अभी यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने करोड़ या कितने अरब का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कोरोना वायरस का असर कितने वक्त तक रहता है और कब तक सिनेमाज बंद रहते हैं, कब तक फिल्में पोस्टपोन की जाती है, कुछ नहीं पता। 2 हफ्ते 3 हफ्ते फिगर देना नामुमकिन है ना, नामुमकिन है, आप क्या कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली के सिनेमाज में 5-7 करोड़ का नुकसान पर डे होना हिंदी फिल्मों का, सिर्फ हिंदी फिल्मों का। इसके अलावा इंडस्ट्री के तमाम लोग शूटिंग के दौरान काफी प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने सुना विवेक अग्निहोत्री कोशिश कर रहे हैं कि
इंश्योरेंस पॉलिसी लें, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज कितना उनका साथ देती है, कितना एग्री करती है पॉलिसी निकालने में, ये नहीं पता, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर मेरे ख्याल से सारे यूनिट जिनकी शूटिंग हो रही है, जिन फिल्मों की शूटिंग हो रही है, उन्हें सभी को पूरे यूनिट मेंबर्स का इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, बिकॉज कोरोना वायरस कहाँ स्ट्राइक होता है, कब स्ट्राइक होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, एक डर का माहौल है। चलिए, बिपिन से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम आपसे तमाम तरह की इंडस्ट्री की जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।